बर्ड्स हैं, बर्ड नहीं है, चमगादड़ है बड़े वाले। ये पूरे ना इसके अंदर है जो दिख नहीं रहे, ये देखो कितने। हाँ अरे उनको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। ओह माय गॉड, ये तो आ ही जा रहे हैं यार उधर से, देख वो देख उधर भरा पड़ा है। न्यू साइकिल यश के, चलो उसको सरप्राइज देते हैं। ले ली साइकिल, आज मिलेगा उसको सरप्राइज तगड़े वाला। फिक्स कराते कराते हमें टाइम अभी हो गया 10:30, एकदम क्लोज हो गया, लाइट वाइट सब, इधर से निकलेंगे। हाँ बाहू वाली रुक, आ जाओ चलो यश को देते हैं सरप्राइज। चलो ले लो, पहुंच गए जी घर और अभी यश को देंगे सरप्राइज। ये क्या आवाज करने लगी, क्या कर दिया, सही तो है ना। तो फ्रेंड्स उसको जो है ना कलर भी पसंद आना चाहिए, और देखेंगे क्या बोलेगा। नहीं नहीं टायर इसलिए आवाज करी क्या, चूचा चीचा। सोया तो नहीं होगा। सुनो एक काम करते हैं, इधर छुप जाओ, इधर आवाज नहीं आएगी, फिर नहीं तो पकड़ लेगा इधर। तो ये लिफ्ट है ना, सर्विस लिफ्ट, इधर मेरा फोन रख लो। हेलो बेबी, शिबा बेबी, आ जाओ ये आओ, आ जाओ। पढ़ाई कर रहे हो हाँ? या जस्ट मैं आई तभी कर रही हूँ, सिमा बता मेरे को। देख वो डोर के पीछे लुकी हुई है। ओए मम्मा रुको तो सही। ओके वेट वेट बेबी वेट वेट वेट, ओके ओके ठीक है। अयो नहीं अभी नहीं, अभी नहीं खोलना है, अभी भी नहीं। मनु और मनसी खड़े हो जाओ साथ में, सिम्बा तो है ही, हाँ हाँ ठीक है, साथ में खड़े हो जाओ। सरप्राइज कैसा लगा? एक बार क्यों, हमेशा चलाना, पर सरप्राइज अच्छा लगा या नहीं लगा? अरे फंस गया रे भाई। ओए दीदी भैया कूल है, दिखा फेस इधर, ये मेरे अंदर गोए। ब्रेक ब्रेक होते हैं ब्रेक है ना। चिंबू भैया की चाय खिलाई, न्यू न्यू चाय किल। चला के तो देखो प्रेशर अच्छी लगी कि नहीं, कलर बताओ। दोनों ही रहते हैं व्हील तो बेटा। गत्ती तो उठा लेता, ब्रेक है उसमें। सिम्बा सोच रहा है क्या अद्भुत चीज आई। सिम्बा देख रहा मेरे को भी बिठा ले सिम्बा।
दिखा एक बार और चला के। अच्छी लगी। ब्रेक धीरे। हाँ तो जी साइकिल यश को पसंद आ गई, कलर भी पसंद आ गया, हेलमेट का कलर भी पसंद आ गया। और अभी अभी क्या करने वाला है? हाँ कल चलेंगे, कल चलेंगे। ठीक है, एक बार तो मैं उस वाली देख रही थी जो वो होती है ना इसकी गैर वाली, फिर गैर वाली से सीखते नहीं है जल्दी से। मैं बोली यही ठीक है, सही है ना। इसमें लाइट लगी है, ये जलती भी है? हाँ, नहीं जलती क्या? मुझे तो लगा जलती है। अच्छा वो चमकेगी आगे से कोई लाइट मारता है तो। और ये साइकिल लाए हैं हम लोग दोस्तों, तो ये हम लाए हैं डीकैथलन से और बहुत ही अच्छी मिल गई है, प्राइस भी ठीक ठाक है, डिस्काउंट चल रहा था अभी और सारी चीज़ें मतलब ठीक ठाक मिल गई है। और अभी यूज़ करेंगे तो और पता चलेगा, है ना मनु? क्या अच्छा लगा ना? स्लो करना है तो बता, इसको एक ब्रेक से भी होता है, एकदम से नहीं रोकनी। अब तेज चल रहा है, एकदम से रोकेगा तो गिर जाएगा। ठीक है तो धीले 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 मैं बोल रही हूँ, धीले 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 बोल रही हूँ, धीरे धीरे नहीं तुतला के। हाँ एक को रोकना ऐसे, ये आगे वाला अलग है एक पीछे वाला अलग है, तो देख लो राइट लेफ्ट। हाँ चलो चलो चलाओ चलाओ फिर पता चलेगा। और कल ना मैं साथ में वॉक करूंगी और ये साइकिलिंग करना, ज़्यादा देर तक पार्क में नहीं रुकेंगे। ओके, परेशान होगी मैं पार्क के अंदर, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं बच्चों के, इसलिए साइकिल लाई हूँ कि तीन चार राउंड बाहर लगाओ, फिर थोड़ा देर आधा घंटा मुश्किल से खेलो उधर, दो दो घंटे पार्क में परेशान होगी। वैसे तो अभी स्कूल भी चालू हो जाएंगे इनके, और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। सही है ना कलर? कलर सही है। एक मम्मन्नू के लिए भी ला रही थी पर पापा बोले कि रुक जाए एक साथ नहीं, पहले ये देख लेते हैं कैसी निकलेगी उधर की, हैं उसके बाद। नोनी बेबी हाँ अच्छी आ जाएगी नोनी बाबू। हाँ सिम्बा देख, सिम्बा कितना हैप्पी हो रहा, देख देख चेकिंग कर रहा है नई साइकिल। सिम्बू बजाना, यीशु बजाना घंटी, सिम्बू देख कैसे करेगा, सिम्बू देख बेल बजी, खुश हो रहा है। लेकिन सोफे पर नहीं, मिडिल वाले पे आ जा। देखो मेरा पति मेरे लिए जूस लाया और अभी झगड़ा कर रहा है किसी का पति है सर? क्या बोल रहा है भाई, ये कहाँ सीखता है, रील बहुत ज्यादा देखने लगा लगता है। सिम्बा सिम्बा और मन्नू की ऐसी हो रही है टाउन टाउन इस साइकिल को देख के, दोनों की एक कैटेगरी के हो तुम लोग। वो भी गुस्से में हो रहा है कि बकवास हो रही है ये साइकिल आगे, मेरा वो कोई मतलब ही नहीं रहा, घूम ही जाएगा अभी। नहीं खा दोपहर को, नहीं खाया दोपहर की तो डले रखे हैं।
भाई हमारा सिम्बा नहीं खा रहा है खाना गर्मी की वजह से। पर ये बताओ कि चॉइस तो ठीक थी, साइकिल का कलर अच्छा नहीं लगा, क्या नहीं लगा? कुछ भी अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा पर ये तोड़ दो। अभी नहीं, रुक जा, अभी नहीं तोड़ो। तो आती है बेटा, कोई भी मशीन है उसकी आती है ऐसे आवाज। अब ये मत बोल देना ये ऊंचा, ये टायर ऐसे ही होते हैं, ठीक है? ऊंचे नीचे नहीं होते हैं। और अभी तो आपको बिना इसके व्हील के ये जो साइड के है ना सपोर्ट वाले, इनके लगाना चाहिए, चलाना चाहिए था, लेकिन अभी तेरा गैप ज्यादा हो गया था। अभी थोड़ा दिन सीख लो, फिर ये निकाल देंगे, ठीक है? ओके, ये इतनी ऊंची है या इससे भी नीचे हो सकती है क्या? नीचे पैर नहीं आ रहे ना इसके, इसलिए बोल रहे हैं एकदम से। चलो कल चलाना है। ये हेलमेट आ रहा है इसको, ये हेलमेट और क्या, हेलमेट टाइट नहीं रहेगा तो हिलता रहेगा ना, फिर सेफ्टी क्या रही बेटा? हाँ हेलमेट टाइट ही रखते हैं, उतना टाइट नहीं पर इसको सेट करते हैं ना। जाली टूट गई, लो। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आ गए थे घर और आपने देखा यश को साइकिल बहुत अच्छी लगी, सरप्राइज भी बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी मनु और मनीषा थी उनको भी बहुत अच्छा लगा। और यश पूछ रहा था कि किसकी चॉइस है, तो यश अभी मतलब वो जो पक्के वाले रिव्यू देता है ना तो वो अभी देगा। एंड अभी देखो बाहर गया हुआ है और वो साइकिल कर रहा है। वेट यश, उधर है थोड़ा। तो अभी 11 बज रहे हैं तो मैं वही बोली कि फ्लोर पे ना करें इधर घर पे, क्योंकि नीचे आवाज़ जाएगी। सो इधर देखो, नई नई चीज़ का इतना शौक रहता है भाई, बहुत रहता है, बहुत शौक चढ़ा रहता है, हमें भी ऐसे ही होता है नई चीज़ का। वाओ गुड जॉब बड़ी, कल भी यही जोश दिखाना हाँ, ठीक है? और फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग भी करेंगे एंडिंग। अभी जो है यस कर रहा है बाहर साइकिल, तो ये हमने ली थी डी कैथलिन से। डी कैथलिन में अच्छा मिल रहा था और किसी फ्रेंड ने मेरे को बताया था तो बहुत ही अच्छा था। उस समय मैं पहले भी तो कुछ चीज़ें लेके आई थी और एक दिन पहले देख के आई थी। तो अभी ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक बार ही डिसाइड कर लिया, दो तीन दिन चार जगह और देखा था। तो क्वालिटी पैसा मतलब उसमें भी डिस्काउंट मिल रहा था उसी प्राइस में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उधर से ही ले लें और रिव्यू भी उसके अच्छे हैं। सो उधर से ही बहुत लोग ले रहे थे, तो मैं तो सेकेंड या थर्ड टाइम गई हूँ उधर, तो बहुत अच्छा है डी कैथलिन में। और जो है साइकिल भी यश को पसंद आ गई है। और इसी के साथ जो है मैं पी रही हूँ जूस और फिर मिलते हैं आप लोगों को न्यू ब्लॉग में, क्योंकि टाइम अभी हो गया है बहुत ज़्यादा ऑलमोस्ट 12 o'clock हो गया, 12 बज गए और मेरी जवान भी फिसलने लगी है, क्योंकि अभी मेरे को आ रही है नींद और मैं पीऊँगी थोड़ा जूस, उसके बाद जो है सो जाएंगे। तो मेरे चैनल को सिंपल लाइफ फैमिली ब्लॉग्स को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों, और बताना मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और इसी के साथ फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। चीयर्स।